चलो, तो जब हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो प्लास्टिड्स, पहली बात क्या बोला, पहली बात ये कि दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, ठीक है ना। दूसरी बात, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, जब हम लोग क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो जो क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट होते कलर्ड हैं रहते हैं। ये होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, और ये होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ये रूट्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। इनका फंक्शन क्या होगा, टू स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन्स। इनका काम ही क्या होता है, सिर्फ स्टोरेज का काम होता है कि इन चीजों को क्या रखें, संभाल के रखें। क्रोमोप्लास्ट में एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कब आता है, जब हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होंगे। कौन से कलर के होंगे, ग्रीन कलर के। तो जो ग्रीन कलर का क्रोमोप्लास्ट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्यों कहेंगे क्लोरोप्लास्ट उसको, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है ना। एंड बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, इट इज गोइंग टू हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कौन सी हेल्प का प्रोसेस में हेल्प करेगा, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मॉम हाँ जी, मॉम मैं कह रहा था कि ये ल्यूकोप्लास्ट और एक मैंने एमी प्लास्ट कुछ सुना था, वो भी बेटा होता बहुत है। दीदी सारे होते हैं, मैं सारे पिगमेंट्स यहाँ नहीं डिस्कस कर सकती ना राजा। हाँ, ये एक और बता दो, क्लोरोप्लास्ट वाला। प्लास्ट कौन सा प्लास्टिड होता है जो ग्रीन कलर का होता है, यानी कि ये प्लांट को कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है तो इसके पास कौन होगा, क्लोरोफिल होगा। और क्योंकि ये क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा। इज इट क्लियर, आगे जाएं बेटा नेक्स्ट। दीदी इससे रिलेटेड एक डाउट है। ठीक एक मिनट रुक जाए ऐसा, ठीक है। जो है, क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो जनरली कौन से शेड्स के होते हैं, येलो एंड ऑरेंज, मतलब अपार्ट फ्रॉम ग्रीन, कौन से शेड में मिलेंगे आपको, येलो एंड ऑरेंज। और ये प्लांट, ये किसको कलर प्रोवाइड करेंगे, टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये किसको कलर्स प्रोवाइड करेंगे, टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन। हमारे सेल में दो ही सेल ऑर्गेनल सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। ऑटोनॉमस मतलब अपने हिसाब से चलने वाले, किसी से कुछ पूछ के काम करेंगे पर आधा से ज्यादा काम वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। ऐसे कौन से दो सेल एक तो ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ना। एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। व्हाई प्लास्टिड, बिकॉज प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। नाउ सिंस दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, दे आर सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब ही क्या करेंगे, बहुत सारे डिसीजन अपने हिसाब से ही ले लेंगे, बहुत सारे अपने प्रोसेसेस खुद ही ले लेंगे। पूछना मतलब होता है बेटा, हर काम जो सेल में हो रहा है वो किससे पूछ के होता है, न्यूक्लियस से, ठीक है ना। न्यूक्लियस से, या जैसे प्रोटीन्स बनाने तो वो आरईआर बना सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन बाकी सारी कहानी जितने भी प्रोटीन्स बन रहे हैं या जो भी हमको सेल में बायोकेमिकल रिएक्शन करनी है वो किसके थ्रू गाइड होती है, थ्रू द न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि पास न्यूक्लियस के पास अपना खुद का भी क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है जिससे वो प्रोटीन्स रिपेयर कर सकते हैं। अरे ये बात समझ में, क्या क्या वैक्यूल के पास अपना खुद का होता है, नहीं। क्या कॉलगी अपैरेटस के पास अपनी मर्जी से वो कोई भी प्रोटीन बना सकता है क्या, नहीं। ऐसा सिर्फ कौन कर सकते हैं, एक प्लास्टिड्स, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो प्लास्टिड भी क्या होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, बिकॉज उनका खुद का डीएनए होता है उनके पास, और उनके खुद के राइबोसोम भी होते हैं। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया भी जो रहता है वो सेमी ऑटोनॉमस होता है, बिकॉज उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इज इट क्लियर ना। वो कॉलगी बॉडीज थी, वो कैसे बोल रहे थे ना, गरीब ऐसे ऐसे बोल रहे थे। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर्न्स, क्या कहते हैं इसको, है ना। ये ऑब्लोंग बैग, ऑब्लोंग मतलब जैसे तेरे घर में गेहूं आती है ऐसे बोरे आते हैं, है ना। और ये फ्लैट,
ये सिस्टर्न, ये सैक, समझ में आ रहा है? तो वैक्यूल्स बेसिकली क्या है ना, स्टोरेज सैक होते हैं. सैक मतलब क्या, बोरा. तो व्हाट आर वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर नथिंग बट स्टोरेज सैक्स. वैक्यूल्स आर नथिंग बट जो भरवाना है. प्लांट्स में बड़े क्यों रहता है? व्हेन आई से जो भरवाना है भरवा लो, मतलब तुम्हारी दुकान का माल नहीं, फूड जो सेल फूड इनटेक कर रहा है वो भर दो इसमें. कोई वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो भर दो इसमें, वैक्यूल्स में. ठीक है, आपको लगता है यार सेल सैप भरना है, मतलब सेल का पानी भरना है, बैक्टीरिया क्यों भरेगा सेल अपने अंदर? तू सोच बेटा एक बार. नहीं, लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय करते हैं. वैक्यूल की ड्यूटी है घर घर जाके कचरा कलेक्ट करेगा, मतलब पूरे सेल से क्या करेगा, अपने अंदर एक्यूमुलेट करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आ जाएगा वो फट जाएगा. आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, अब सिंपल से लॉजिक है क्या कि ये क्या क्या स्टोर करता है? फूड. फूड मतलब क्या? स्टार्च, अमीनो एसिड, ठीक है ना, फैट्स, प्रोटीन्स भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा, ठीक है ना. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, अमीबा का जो इनटेक ऑफ फूड होता है वो भी किसके थ्रू होता है? वैक्यूल के थ्रू. और एक्सपेलिंग एक्सेस वेस्ट, मतलब बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया है उसको उसको क्या करना है, सेल के बाहर निकालना है, तो वो किसके थ्रू निकालेगा? वैक्यूल्स के थ्रू. वैक्यूल्स इज गोइंग टू अक्यूमुलेट ऑल द वेस्ट इन इटसेल्फ. And once all the waste is accumulated in vacuole, it would go near the plasma membrane. It would burst. क्या हो जाएगा? वो फट जाएगा. फट जाएगा तो सारा जो सेल का वेस्ट है वो कहाँ चला जाएगा? सेल के बाहर. आई बात समझ में? तो बहुत सारे सेल्स जैसे कि स्पेसिफिकली कौन, अमीबा में इनटेक ऑफ फूड भी किसके थ्रू होता है? वैक्यूल के थ्रू. और एक्सपेलिंग वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सपेलिंग वेस्ट प्रोडक्ट, अगर ये मेन फंक्शन है ना इसका, वैक्यूल के थ्रू. एक चीज और ध्यान रखने वाली है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स कैसे होते हैं? लार्ज. प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स कैसे होते हैं? लार्ज एंड लेस इन नंबर, एंड एनिमल्स में छोटे. कभी 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 प्लांट सेल में ऑलमोस्ट 90% रीजन कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? वैक्यूल. न्यूक्लियस बेचारा साइड में पड़ जाता है. ओ मैं भी आरी बात समझ. लेकिन एनिमल सेल्स में, लेकिन एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स कैसे होते हैं? स्मॉल एंड मोर इन नंबर, मतलब ज्यादा होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं. क्या ये कहानी समझ में आई? एक मिनट लो और फटाफट छाप.